तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल की एक नई अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग की एक ऐप के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है इंटरनेट ब्राउजर को लेके। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में एक सैमसंग की तरफ से आपको एक इंटरनेट ब्राउजर मिलता है जो कि हर डिवाइस में प्री इंस्टॉल रहता है सैमसंग के। उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट से क्या नए चेंजेस किए गए जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन मिलेगा दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले आगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी यार और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर के नए अपडेट के बारे में बता रहा हूँ। उसके लिए आपको जाना है, उससे आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको वहां पर अपडेट वाले सेक्शन में चले जाना है। अपडेट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर का एक नया अपडेट, यहां पर अवेलेबल दिख रहा होगा। यहां पर आएंगे नीचे की तरफ, तो इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया, 9 अगस्त को इस अपडेट को रोल आउट किया गया, जिसका साइज है 115.0 MB का, जिसको वर्जन नंबर इज 220.31। यहाँ पर इसका वर्जन नंबर है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नया चेंजेस किया गया है। सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर एक अच्छा ब्राउजर है, गूगल मतलब समझ लो सैमसंग का खुद का ब्राउजर है, तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरे कोई भी एरर गैर डाउनलोड करने से अच्छा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या नया चेंजेस किया गया, जैसे कि लिखा है, फिक्स द ऐप क्रैशिंग एब्नॉर्मली व्हेन डिलीटिंग ऑल हिस्ट्री वाज एग्जीक्यूटेड इन द हिस्ट्री मेन्यू। तो पहले तो कर लेते हैं अपडेट। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कुछ लोगों को एबनॉर्मल क्रैशिंग आ रही थी जब वो डिलीट ऑल हिस्ट्री कर रहे थे, तो उनको कुछ एबनॉर्मल प्रॉब्लम आ रही थी जिसको यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया गया है हिस्ट्री मेन्यू के अंदर। तो यहाँ पर एक ही चीज़ को अपडेट किया गया है, या एक ही फीचर को उन्होंने रोल आउट किया गया इस अपडेट के बाद। फीचर तो नहीं बोल सकते, बट ये कह सकते हैं उन्होंने एक बग फिक्सेस किया गया है इस अपडेट के बाद। तो जब भी कोई नया अपडेट आता है, अगर उसमें कोई नया फीचर नहीं है बट फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, और उसकी सिक्योरिटी और बग फिक्स तो 100% किए ही जाते हैं, चाहे ऐप हो चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट हो। जहाँ भी कुछ नया अपडेट आएगा तो ये चीज़ तो पक्की होती है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस इंक्रीज और बग फिक्स तो 100% किए ही गए होंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र एक अच्छा खासा ब्राउज़र है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो आप दूसरे में भी कर सकते हैं इसमें भी कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ अलग सा UI है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी अलग दे रखी है, स्मार्ट एंटी ट्रैकिंग का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोटेक्टेड ब्राउजिंग का ऑप्शन दिया है, कंटेंट ब्लॉकर का ऑप्शन यहाँ पर प्री इंस्टॉल दिया हुआ है। जैसा कि अब यह हो गया है अपडेट करने के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड हिस्ट्री सेव पेज प्लस एड पेज शेयर एड ब्लॉकर डेस्कटॉप साइट टेक्स्ट साइज जूम एड ऑन नोटिफिकेशन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री में चले हैं। जैसा कि वहाँ पर था हिस्ट्री टैब के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको रेक्टिफिकेशन कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे डिलीट ऑल करेंगे तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैं यहाँ पर हिस्ट्री में क्लिक करूँ तो वहाँ पर जो भी कुछ प्रॉब्लम थी, जैसा कि मेरी आपको दिख रही होंगी, 1174 हिस्ट्रीज हैं। अगर मैं यहाँ पर डिलीट करूँ तो ईजीली यहाँ पर डिलीट हो चुकी है, जिसमें 1 रुपये की भी यहाँ पर क्रैशिंग की या एबनॉर्मल कुछ एक्टिविटी की प्रॉब्लम आई, तो वो चीज़ यहाँ पर रेक्टिफाई करी गई है। और इसको बात बताऊँ कि इसको अपन कैसे इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एड ब्लॉकर, आप यहाँ पर एड ब्लॉकर को डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहाँ पर एड ब्लॉक कर सकते हैं अगर आप इसमें यूज़ करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर प्राइवेसी के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको प्राइवेसी पता चल जाएगा, 3 ट्रैकर ब्लॉक, कुछ भी चीज़ अगर आपको ब्लॉक कर रही हो या ट्रैक कर रही हो तो वो ऑटोमेटिक इसको ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, इन सबको ऑटोमेटिक ऑन कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर 3 डॉट्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर आपको मिलेगा होम पेज का ऑप्शन। होम पेज में आप क्या चाहते हैं आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। नीचे एड्रेस बार में गूगल सर्च मैंने डाल रखा है, आप वो भी डाल सकते हैं। लेआउट एंड मेन्यू में जाएंगे तो कैसा लेआउट मिलने वाला है, शो एड्रेस बॉटम बटन, आपको एड्रेस वाला बार नीचे चाहिए नीचे कर सकते हैं। हाइड स्टेटस बार करना चाहे आप कर सकते हैं। और भी यहाँ कस्टमाइज़ के ऑप्शन दिए गए मेन्यू के, आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे आएंगे, उसके बाहर आएंगे तो आपको मिलेगा वेब पेज व्यू एंड स्क्रॉलिंग, वेब पेज आपको कैसा दिखे, गो टू टॉप बटन, गो टू बटन वाला ऑप्शन भी मिले आपको, स्क्रॉल बार, ये सब चीज़ें नॉर्मल यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद नीचे आए हाई कंट्रास्ट मोड, अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो ये आपको हाई कंट्रास्ट मोड पर मिलेगा, कह सकते हैं डार्क मोड पर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आएंगे ब्राउजिंग प्राइवेसी डाटा पे, यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है जैसा कि आपको पहले बताया, स्मार्ट एंट्री ट्रैकिंग को आपको ऑन कर देना है, तो जो भी चीज़ आपको ट्रैक करेगी तो वो आपको बता देगा कि कौन कौन क्या कर रहा है। ब्लॉक ब्लैकबर्ड एंड रिट्रैक्शंस को आप ऑन कर देंगे,
और ये इससे आपको वायरस से बताएगा, ताकि आपको कोई वहाँ पर आपका डेटा को एक्सेस ना कर पाए। ये सब चीज़ें आपको ऑन कर करनी चाहिए। बाहर आएंगे उसके मिलेगा पर्सनली ब्राउजिंग डाटा, तो यहाँ पर पर्सनल ब्राउजिंग डाटा को भी यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री फ्रॉम सर्च कुकीज़ कैश हिस्ट्री, यहाँ सब चीज़ें आपको यहाँ डिलीट करना हो तो आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर उसको डिलीट आउट कर सकते हैं। उसके नीचे ऑटो फिल फॉर्म जो भी आपने कुछ सेव कर रखा है वो मिल जाएंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो भी आपने सेव करे वो ही आपको दिख जाएंगे। सिक्योर मोड सेटिंग, अगर आप सिक्योर मोड का ऑप्शन मिलता है उसके अंदर आप कौन कौन सा पासवर्ड यूज़ करें या क्या क्या चीज़ें उसमें ऑन हो, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद साइट्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा कि साइट से अगर डाउनलोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, मैनेज वेबसाइट डाटा, साइट परमिशन, आज बिफोर स्टार्टिंग डाउनलोड, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डाउनलोड का आपको फोल्डर चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। यूजफुल फीचर यहाँ पर मिलेंगे, ऑलवेज ऑटो प्ले वीडियो, ऑटो प्ले हो जाए वीडियो, ऑटोमेटिक वीडियो असिस्टेंट का ऑप्शन मिलेगा, बैकग्राउंड प्ले का भी ऑप्शन मिलेगा, शो रीड मोड एंड बटन का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। नीचे की तरफ आए लैप्स में, लैप्स में आपको मिलेगा यूज सिस्टम फ्रंट फंड फॉर वेब पेजेस, यहाँ पर उसको क्लिक कर देंगे तो सिस्टम के जो भी फंड्स हैं आपको वही दिखेगा। यूज वेबसाइट डार्क थीम, ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब बात करें अपन इस चीज़ की, ये हो गया है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है सिक्योरिटी, या बोल सकते हैं आपका टर्न ऑन सिक्योर मोड वाला। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा वेरिफिकेशन का ऑप्शन मारेगा, जब भी आप वेरीफाई करेंगे तो ही आप इसमें एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैं ऐसे बाहर भी चले आऊँ तब भी मैं दोबारा उसमें आऊँगा तो जब भी मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा इंटरनेट एक्सेस। ये जो फीचर है या बोल सकते हैं सिक्योर मोड, ये बहुत शानदार यहाँ पर दिया गया है। इसको इनेबल करने के लिए आपको यहाँ 3 डॉट्स पे जाना है, यहाँ जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है ब्राउजिंग एंड इस पे जाना है आपको पर्सनल ब्राउजिंग पे, यहाँ पर सिक्योर मोड सेटिंग पे जाना है। अगर आप उसका पासवर्ड कुछ बदलना चाहते हैं तो पासवर्ड यहाँ पर सेट आउट कर दीजिए। ओपन लिंक, जैसा कि मैंने सेट आउट कर रखा है, मैं कोई भी लिंक पे क्लिक करूँ ऑटोमेटिक सिक्योर मोड पे खुल जाए। चेंज पासवर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज आउट कर सकते हैं। एंड डाउनलोड्स के ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं डाउनलोड हो या ना हो, फेस और फिंगरप्रिंट काम करे ना करे सिंगल सिक्योर सीक्रेट मोड में, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें एक ही चीज़ को नया चेंजेस किया गया है ताकि आप इजीली अपनी सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर पाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो थैंक यू दोस्तों। तो उससे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब की है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।